अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा नई स्टाइल से, जिसके पराठे टूटते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से बनाकर देखिए, आपके पराठे कभी नहीं टूटेंगे और कभी मसाला बाहर नहीं निकलेगा और चारों तरफ से हमारा मसाला जो है पराठे में लग जाएगा। आइए देखते हैं तो फिर इसको किस तरीके से बनाया जाता है। आलू का पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले 1/2 किलो गेहूं का आटा लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। देखिए आटा गूंदकर हो चुका है, अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसके चारों तरफ हम तेल लगा लेंगे और ढक्कन ढककर हम इसको साइड में रख देंगे और जब तक के हम आलू का मसाला बनाएंगे। देखिए मैंने 2 उबले हुए आलू ली हूँ और उसके छिलके निकाल ली हूँ, इसको अभी हम मैश करेंगे। देखिए आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर और डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, नमक स्वाद के हिसाब से और डालेंगे 1 बारीक कटी हुई कोथमीर। अभी हम 1 छोटा टुकड़ा अदरक का इसमें खिसकर डालेंगे, पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अदरक से। अभी हम इन सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी हम आगे की तैयारी करेंगे। देखिए मैंने अभी आटा ली हूँ, आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे। आटा मसल कर हो चुका है, अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जितना हम पूरियों के लिए लेते हैं उतना ही साइज का हमें पेड़ा बनाना है, इस साइज के हमें पेड़े बनाना है। देखिए पेड़े बनाकर हो चुके हैं, अभी हम इसे बेलेंगे। बेलने के लिए हम पहले थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और फिर इसको बेलेंगे। देखिए हमें इस साइज का ही बेलना है, अभी हम इसको साइड में रख देंगे और दूसरी रोटी बेलेंगे। दूसरी रोटी को भी हम सूखा आटा लगाकर बेलेंगे, उसी साइज का हमें बेलना है ये रोटी भी। देखिए ये रोटी को भी हमने उसी साइज की रोटी के जितना बेले है, अभी हम इसमें आलू का मसाला इसमें रख देंगे। और चारों तरफ हम मसाले को रखेंगे। देखिए मैंने सब जगह आलू लगा दी हूँ, अभी हम इसके ऊपर दूसरी रोटी को रखेंगे और साइड से हम अच्छे से इसको दबा देंगे। देखिए साइड से मैंने अच्छे से चिपका दी हूँ आटे को, अभी हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे आटे को दबा देंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और नीचे भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको हल्के हाथों से हम बेलेंगे। देखिए पराठा बेलकर हो चुका है, साइड से भी थोड़ा भी आलू बाहर नहीं निकला है। ऐसे हमें बेलने से हमारा पराठा बहुत अच्छा बनेगा। देखिए दूसरे साइड भी हमारा पराठा ज़रा भी नहीं टूटा है। जिसको नहीं आता है वो इस तरीके से पराठा बनाए, आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। अभी हम इसको सेकेंगे। देखिए फ्राई पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दी हूँ, अभी हम इसमें पराठे को डाल देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। देखिए 2 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं,
दो मिनट के बाद अब हम इसको फिर से पलटेंगे। घी डालेंगे, और अच्छे से हमें इसे लाल होने तक के सेकेंगे। देखिए नीचे से अच्छे से सेक चुका है, अभी हम इसको पलट लेंगे। ये साइड भी हम अच्छे से सेकेंगे। देखिए हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छे से सेक चुका है, ये देखिए। अभी हम इसको प्लेट पे निकालेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे को बना लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे आलू पराठे बन गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे से बने हैं ये। देखिए माशाल्लाह हमारे आलू के पराठे कितने अच्छे बने हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना आलू पराठा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।